लॉग स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। ये एक थैंक यू वीडियो है आप सभी को कि आप लोगों ने उस वीडियो के बाद इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत दिल से सारा शुक्रिया। और अब आप लोग एंजॉय करिए, बिल्कुल चले पूल में सीधा ही। चलते चलते पहले हाय खाना गाइस, खाते वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और आज सीधे सबके सब है फार्म हाउस पर, और फार्म हाउस पे आते ही सबसे पहले इकलौता बंदा है जो कि ना चट्टी नहाने नहीं दिया मेरे को सुबह से। माना लेना भाई, परेशान हो जाता है। चलो काफी अच्छा है ना फार्म, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है यार। एक नया मेंबर आया, पता नहीं कौन है ये। अरे तू नहीं वो। हे गाइस, वो अकेला फील कर रहा है, उसके पास जाओ कोई। ये बस हमारा खाना आ रहा है, वो खाते ही आ गए। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हितेश बोले खाना आ जाए भाई इनके आने से पहले। हमने बेचारे ने 3 रोटी खाई इसकी रहेगी। हितेश फील कर रहा है क्या? लॉनली फील कर रहा है। लॉनली भाई, खाना क्यों नहीं आ रहा भाई तेरा? मुझे भी भूख लग रही भाई। यार चेंज भाई, मुझे क्या होता है, हमारे लिए आ रहा है तेरे लिए। तो मैं तो सैक्रिफाइस नहीं करने वाला भाई। भाई तेरे लिए मैं फ्रूट्स और वो सब लाया हूँ मॉन्स्टर। मतलब तू ले जा भाई यार, एक रोटी तो खिला दियो यार। बानू खिलाएगा चल, कालू की खा लूंगा मैं तो। हमारे लिए खाना नहीं आ रहा? नहीं क्यों? मंगाए नहीं, इन्होंने मंगाए नहीं, वो है क्या बोलते हैं। अरे तुम 5 बजे आ रहे हो, खा के आओगे तो 4-3। अरे तुम आओगे, तुम फिर अलग अलग फरमाइश करोगे, फिर वो 40 मिनट बाद आता, हमने मंगाए अब आ गया, अब आप लोग मंगा लो। आपको मैं इतने कूल लगना है तो अभी तो ये इसको हम दिख भी रहे हैं ना, इसको भी हम दिख रहे हैं। जब ये अकेला होगा अपन अंदर खाना खा रहे होंगे ना, आ जाएगा कच्चे में ऐसे पानी गिराता हूं। इनका खाना तो आया नहीं भाई, तुम्हारा खाना तो आया नहीं अभी तक तो हमारे। दो बार गेट खुला भाग गए। चलो बाय बाय यार भाई, हमारे चिप्स को रुको रुको के पास मत आ जाना। अब तू समझ में आ गया ना, अब तू तेरा खाना ही खा भाई। पंचर होगी गाड़ी, खाना नहीं आ रहा। किसकी? क्या अब? अबे पंचर होगी भैया, मेरा गाड़ी पंचर हो गई भैया। भैया इधर आओ, मैं भी सच में हो गया तो क्या। कालू एक काम कर, फिर यार मैगी बना ले यार। मैगी बना रहे हैं हम तो रास्ते से गए, तू पचली है फिर ना, नीचे गैस का कनेक्शन देगी, सिलेंडर ही नहीं है। अरे मेरा सिलेंडर आ रहा है वो। अरे ये रहा, ये रहा, ये देखिए सिलेंडर आ रहा है। सिलेंडर पूछा तुमने, मैंने बता दिया। अरे भाई मैगी वैगी लाए, बनाएंगे कैसे? अरे यार ये तो उबाल देगा पानी। तेज खाना आ गया, डिलीवरी बॉय इधर है ना, खाने से इधर ही जा जा जा, उधर ही चल भाई उधर ही चल। कैसे देख रहे हैं भाई खाने को, भाई भूखे। क्वांटिटी सही है ये सब्जी की, खाना इतना सा और खाने वाले इतने। हेलो भाई, हेलो क्या मैं दे रहा हूं, लड़ो मत यार, चलो मैं दे रहा हूं भाई, काम काम बूम। मेरी रोटियां गई 3 मिनट में सपाचट। मैं जागरी में खड़ा होगा भाई, तो बर्तन साफ करेगा भाई। हितेश कर, क्या हुआ गाइस, तुम नहीं जा रहे? चलो सारे तो पहुंच गए भाई पूल के अंदर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शूट कौन करा रहा है? लड़ रहे छोड़ दे भाई, बाद में पकड़ लेंगे इसको। गाइस एक बचपन का गेम है जो कि हमने स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे खेला था, तो आज हम वो खेलने वाले सब, तो इतना मजा आएगा ना उसमें आपको देख के। बहुत फनी। अभी अभी दिखाते हैं, क्रोकोडाइल रेस नाम है, आप लोगों ने शायद खेला होगा स्कूल टाइम में, खेला होगा बड़े होकर तो नहीं खेला होगा, स्पोर्ट्स डे पे जरूर स्कूल में खेला होगा, तो अभी दिखाते हैं एक बार आपको, है ना। 3-2-1 गो। कौन जीता? ए कालू,
ओए पार्टनर चेंज करते रेडी थ्री टू वन कमान भालू गिर गया कमान कमान अरे यार कमान जीत गया अरे यार एक और बार भागे अभी तो डांस भी नहीं करा है आज का दिन तो खेलने में मजा नहीं आएगा डॉजबॉल खेलेंगे अरे नहीं यार फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे डॉजबॉल खेल लिए तो खेलेगा अच्छी कर दो सूर्य से थक थका के एक जानवर ऐसे तेजी से गेट खटखटाया पता नहीं क्या हो गया बैल की तरह सींग मार रहा था सब और भाई सबको सबको उसके कीड़े इसके कीड़े हमार को उठा के कम्बल हटा के सब हटा के थोड़ी देर कर लिया सब बोले कि सो लेंगे और अब कुछ सो गया हमार को नींद गाइस घर चला जाए बाय ब्रो अभी ट्रिप पे जा रहा है भानु भाई अब 4-5 दिन बाद आएगा एक हफ्ते बाद एंजॉय जल्दी से बाल धोकर कॉल कर देना ठीक है ये हम लोग आए हैं मेरे घर पे जहाँ पर काम चल रहा है जब मैं गोवा में था तभी यहाँ पर एक फ्लोर और की छत डल चुकी थी तो अभी वो ही देखने आया हूँ मैं बेसमेंट वाली छत पे तो मैं के टाइम तो मैं यही था अभी वाले के लिए मैं था नहीं और इस बार तो ना 3 बार पुलिस भी आई थी रात को और उसे पड़ोसी ने किसी ने कंप्लेन कर दी थी शायद कौन करता है पता नहीं जाने दो कोई लोट नहीं और माता जी यहाँ कहाँ बैठी हो इस गुफा में हाँ तू पहले गिर जा यहाँ कैसे बैठी हो मैं तो देखा कि अभी यहाँ चलते हैं फिर वहाँ पर जाऊँगा वहाँ होंगी आप तो घर पे भाई जा तू ही जा छत पे मैं तो नहीं जा रहा अरे मैं गिर जाऊंगा तभी मेरे से घर की छत देख ले तू है अच्छा आपके घर की छत देख लूँ मैं मालकिन तो मैं ही हूँ ना हाँ हाँ आप ही हो मालकिन है इसके ऊपर वाली बनेगी भाई उससे उड़ाएंगे जैसे ऊपर छत डली ना तो अभी इस पे काम रुक गया छत डलने के बाद काफी दिन होता है इसको ऐसे ही इस पे काम नहीं होता पता नहीं क्या सूखती वगैरह जो भी होता है इसका तराई वगैरह होती रहती है अभी बेसमेंट में स्टार्ट हो गया काम नीचे मैं आपको बेसमेंट का वर्क दिखाता हूँ अभी ये काम चल रहा है इसमें पत्थर लगाए जा रहे हैं नीचे और मिट्टी बाहर निकाली है इसमें से क्या क्या बनवा रही हूँ नीचे ये तो बता दो मकान मालकिन देखते रहो तैयार तो होने था जब हम देखा बताते हैं खाने में क्या बनाया आपने खाने में पूरी है कचौरी है आलू टमाटर की सब्जी है रायता आज, है आज दादाजी का श्राद्ध है ना हाँ रायता है तो ये दादाजी की फेवरेट चीजें बनाई आज मम्मी ने देख मम्मी का फोन देख निकाल 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 मम्मी ये आजकल पैसे नहीं रखती इसमें पीछे कहा ये बना है आज ये इमरतियाँ इनको क्या बोलते हैं कंगन बोलते हैं और इमरती बोलते हैं ना हाँ। ये मेरे दादाजी की फेवरेट मिठाई थी ये थी और एक बालूशाही भी होती थी और पूड़ी सब्जी और खीर और रायता और ये आलू की कचौड़ी ये एक्स्ट्रा बना लिया आपने चावल ये तो आपने खुद के लिए बनाया मुझे लग रहा है हाँ ये चावल तो नहीं खाते थे वो ये चीज़ें वो खाते थे अच्छा ये वैसे बना रखे हैं अपने एक्स्ट्रा में ओके नींद आ रही इसको सोने का टाइम हो गया इसका दिन का अंकल आप कहाँ घूम रहे हो अरे यार आज कोई बस साइड पे जा रहा था एक मस्त लग रहा आप शूज क्लोथिंग में हाँ शर्ट मस्त लग रही है यार एक बटन टूट गया लगाओ आंटी से ये बटन जो है ना ये सही ढंग से लगवाया करो ओहो कमी निकालती भाई निकाल रहे भाई ये ना कमी है इसमें ठीक है सर सही हो जाएगी है ना राधे राधे एवरीबॉडी वेयर इज आर अंकल अंकल को जैसे ही पता चला कि मैं अरे हाँ गाइस मैं एक अपडेट देता हूँ उसका ट्रिप कैंसिल हो गया सुबह बना शाम को कैंसिल हो गया कैंसिल क्यों आगे बढ़ गया
तो अंकल शर्ट पहने तुरंत भाग के। अरे ना क्या आया हूँ अभी अभी यार इस टाइम वो अंदर नहीं एंट्री करने देती ना। अरे हाँ भाई तेरे को बता रखा समझ में आ सारे दुख की बात तेरे को बताते ही कोई तो पार्टनर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं ही सुनता हूँ आप तो सुनती नहीं हूँ आप तो दुख देती हूँ उनको। चाय बना दो यार आंटी बहुत दिन हो गए यार अंकल के साथ पी रहे। मैंने कब मना करा मैंने तो मना ही नहीं करा। आगे से बोला भी नहीं तो आपने कभी। अरे भाई तुम आके खड़े तो हुए ही नहीं हो। चलो यार अंकल आज चाय पीते बहुत दिन हो गए यार। फोन पे तो मालूम था ना भाई आ रहे। हाँ पता था ना एक घंटे पहले बोल दिया। बिल्कुल 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 पहले बना के रखनी चाहिए भाई आ रहे हैं तो कम से कम चाय तो पिलाएं कम से कम। बिल्कुल तो सही है तो अंकल जवाब देते हैं सही का सही एकदम। हाँ बिल्कुल सही है अंकल चुपचाप से वहाँ बैठ गए और चाय हमारे पास नहीं है उससे पहले तक तो आधा गिलास खत्म कर चुके हो। अरे यार तुम काम में बिजी हो रहे हो तुम्हारे मतलब। अरे यार मैं यार इनके पास काउंटर अटैक बहुत तगड़ा होता है हर बार। काउंटर अटैक की बात नहीं है किसी भी आदमी को काम करते हो तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चेयर्स करे बिना चाय पी ली फिर तो अधूरी। चेयर तो कोई नहीं है अभी है मेरे पास आधी से ज्यादा चाय है तो मुझे तो डबल है। लो आज तो बड़ा गिलास दिया आपने है ना सही है। अरे अभी तो और पड़ी है थोड़ी चेयर्स करने में। चेयर्स यार चेयर्स आवाज नहीं आनी चाहिए आवाज नहीं आनी चाहिए चेयर्स में। क्यों सारे काम चेयर्स में कभी भी ऐसे टकराने की आवाज नहीं आनी चाहिए। हेलो बाय गाइस बाय गाइस। ये देख इतने लड्डू लेके आया हूँ तेरे लिए कि मस्त खाती रही रोजाना। थैंक यू भैया। पकड़ टोफू सैंडविच आज के डिनर में और बड़े दिन बाद कुछ हेल्दी कुछ प्रोटीन रिच फूड बहुत दिन बाद। तुमने क्या खाया? भिंडी की सब्जी रायता अचार रोटी। एक बार घी भी तो चेक करो कि मैंने बॉक्स मंगाया है कैसा है कैसा नहीं है। आपके शूज ऐसे मतलब गंदे हो गए थे हमारे एग्जाम्पल ले लो हमारे इतने सारे शूज गंदे हो गए थे हमने सारे ड्राई क्लीन कराए तो अब उनको हम इसमें रखेंगे। एक शूज गंदा होता है दूसरा साफ होता है तो वो मिल गया। अब अन में चीज डाल दो बेक हो जाएगी। ये वाओ जो लोग मैं बता दूं देखो शू कलेक्शन वाले जो लोग आई नो जिनको शू कलेक्शन पसंद है जिनके पास जॉर्डन्स वगैरह है प्लीज इसमें रखना बहुत सेफ रहेंगे। वैसे सेफ के पता है ये दिखने में कितना सही है सोच कि रूम में रख सकते हैं ऐसे बॉक्स के बॉक्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। सो प्रीटी वेरी नाइस बहुत सही चीज मिल गई मुझे यार। ये 250 रुपीस का बॉक्स है और कितना प्यारा है बहुत अच्छा है यार। ये रूम मैं यार मैं सब लोग मेकअप रख सकती हूँ रूम में। अरे पागल रूम में जगह बना के ना मतलब कहीं साइड में कॉर्नर में हो ना 5-6 बॉक्स रख दो शूज के क्या सेक्सी लगेगा। यो